अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मजार, आप देख रहे हैं SSA के न्यूज। चलिए चिनीचलम में आज जनाब रखीब साहब की जानिब से गरीब लोगों में मीठे के लवाजमात तकसीम किए गए। खीर खुरमे के और सेवियों के मीठे के ये लवाजमात की काफ़ी मकदार में गरीब औरतों में इसकी तकसीम हुई। और इस सिलसिले में नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुके पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ पर बहुत अरसे से रकीब साहब अनाज की तकसीम करिए। अब ये भी मरहला उनका पाँचवा छठा मरहला है, हमेशा आपके पास से तकसीम का सिलसिला जारी है। गरीब मुश्ताक लोगों की निशानदेही करके इन्हों अपने टोकन देते हैं, उनको बुला के यहाँ पे तकसीम करते हैं। बहरहाल मंजिस की तरफ से मैं रकीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह इनके कारोबार में बरकत और तरक्की दे और इसी तरीके से अपने खिदमात को जारी रखे। रमज़ान का महीना हर नेकी के ऊपर अल्लाह 700 दर्जे अजर सवाब में इजाफा करता है, इसका अजर भी मिलेगा सवाब भी मिलेगा। गरीबों की मदद करना एक बहुत बेहतरीन काम है और लॉकडाउन और कोरोना वायरस के ज़िमन में जो हालात हमारे मुल्क में और शहर में हैं उस सिलसिले में सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नज़र आ रही मैदान में काम करती हुई और मजलिस के चाहने वाले काम कर रहे हैं। सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए बंदों की खिदमत कर रहे हैं, उनकी इमदाद कर रहे हैं। ये सिलसिला कई इब्तदा से जारी है, आइंदा भी जारी रहेगा जब तक के लॉकडाउन रहेगा। ये खिदमत हम करते रहेंगे। रकीब साहब और उनके साथियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे राशन के किट्स बांटे गए। आज जो है ये शुरखुमे का जो है सामान है, जो गरीब लोग हैं जो परेशान हैं, आज परेशान हाल में हैं, उनके लिए जो है मीठे के सामान के कुछ किट्स है और उसके अंदर बासमती राइस है, ये जो है ईद के वास्ते है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम चल रहा है और मैं तमाम जो है हमारे जितने भी चाहने वाले हैं और जितने भी मेरे साथ साथी काम कर रहे हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आवाम से गुजारिश करता हूँ दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह सिलसिला और जारी रहेगा। अल्लाह ये जो है 700 किट बांटे इंशाल्लाह और 500 कल बांटेंगे अल्लाह चाहे।